अब मुद्दा इस बात पर गया कि राजस्थान सरकार से टोल कंपनी को 19 महीने का पैसा नहीं मिला, वो नहीं मिलेगा तब तक ये रोड का काम नहीं मान लिया। 19 महीने का पैसा वहाँ से नहीं मिला, वो जो मिला वो कहाँ जा रहा तो ले रहा है ना, वो दो कितना का लक्षण है उस खड़े भी नहीं बचे पर क्या आपके लोगों की बात नहीं, मेरा कहना यह है कि आप अपने इनके सब हर साल वृक्षारोपण है, एक वृक्षारोपण एक पौधा लगाया होता आप बता दो मुझे क्या हर साल एक पौधा लगाया स्वीकार नहीं है तो बैठे हम डेंगे जब तक रोड नहीं उसके खाते में पैसे जाने बंद हो गए तो बनाएगा सरकार का इनका चोर सरकार का जो भ्रष्टाचार बैठे उनका।
था कि हम उस स्टेज पर पहुँच गए कि जल्दी स्वीकृति आ जाएगी। तो हमने कहा एक ही बात, एक ही लाइन में सीधी बात रखी है कि जब तक ये रोड काम शुरू नहीं होता, रोड का काम, तब तक टोल नहीं लेना है, और टोल नहीं लेंगे तो हमारा कोई विशेषता है, रोड का काम शुरू नहीं होता तब तक टोल बंद कर दीजिए। इसी बात को लेकर वो अधिकारी से बात करने के। अच्छा, तो आगे अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब जब तक अधिकारी ने यह कहा है कि 19 महीने का इनका भुगतान राजस्थान सरकार ने रोक रखा है। अच्छा, जो रोक रखा है वो सरकार जाने दिए जाए, और इसलिए वो पैसा नहीं आ रहा है इसलिए हम रोड नहीं बना पाए। ठीक है, राजस्थान सरकार जब आपको पैसा दे दे तब आप रोड बना लेना, और जिस दिन रोड बनाना शुरू करो उस दिन टोल लेना शुरू कर देना, तब तक ये टोल भी रोक दो। बात कर दो, एक लाइन का हमारा वर्जन है और संदेश है सरकार को कि जिस दिन आप रोड बनाना शुरू करें ठेकेदार उस दिन टोल लेना शुरू करें, तब तक टोल भी रोक दो। उनको पैसा चाहिए टोल का तो जल्दी बनाएंगे, रोड नहीं चाहिए तो आराम से बना। जब तक ये रोड नहीं बनाएंगे अगर ये हट जाएंगे तो मैंने ये भी कहा कि ये स्पेस वर्क मैं करवा दूंगा, मैं कम से जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक परेशानी भी जो है दोनों का वो तो है, लेकिन आप दोनों यहाँ विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं जालो, बिल्कुल आपकी तरफ से ऐसी कोई होगी कि ये टोल जल्दी से जल्दी बने, अली टोल माफ हो कितने दिन के लिए? मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार का मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, और इसलिए हम जो भी कार्रवाई करते हैं अफसर बेचारे कार्रवाई करके भेजते हैं और मंत्री के वहाँ जाकर ड्रॉप हो जाते हो भाई। सर आपको नहीं लगता कि जो परसों मेरी मंगलवार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से बात हुई है, हमारी कमेटी में आए थे राजेश यादव, चीफ मिनिस्टर भी सारे आए हुए थे, वहाँ ये मुद्दा उठाया मैंने, उन्होंने कहा हमने सारी कार्रवाई कर दी है अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो उससे आगे मंत्री उनके छाती पे बैठा है वो नहीं करने दे रहा है। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपकी जो पिछली भाजपा सरकार थी वो भी दोषी है? नहीं, कैसे कैसे दोषी? उस समय हमने तो टोल, उस समय पब्लिक से टोल का पैसा भी नहीं लिया जा रहा था, और रोड में मेंटेन हो रही थी, रोड मेंटेन ऐसी हालत नहीं थी रोड की, कभी नहीं हुई, पहली बार हो रही है। अब जो सरकार सत्ता में आई है उसका दायित्व नहीं बनता कि जो जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं उनको शुरू करें, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस के पूर्व सरकार ने दवाई मुफ्त में की थी घोषणा सिर्फ सरकार जाते जाते, तो पूरे 5 साल तक दवाइयों की संख्या बढ़ाकर मुफ्त में दवाई दी या नहीं दी, लोक कल्याणकारी योजनाएं सब शुरू रखी या नहीं रखी, ये हमारी सरकार के समय नियम के अनुसार इनको पैचवर्क करना था, खड्डे भरने थे वो भर रहे थे, अब एग्रीमेंट के अनुसार इनका जो एग्रीमेंट है सरकार के साथ उसके अनुसार अगस्त 2020 में पूरा रोड वापस नया बनाने का ड्यू हो गया, उसको एक साल हो गया, क्यों नहीं बना रही है? सर आप ये तो मानते हैं कि ये सरकार आने के बाद में इस रोड पर कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसा पैसा शुरू हुआ है, ठीक बात है, पैसा बढ़ा है और जो बंद था वो शुरू कर दिया। सर एक मुझे ये बताओ कि ये अधिकारी आपसे वार्ता करके चले गए, अब बाकी रामायण पूरी इनको पता है, अब आप ये बताओ आज रात की क्या स्थिति रहेगी, अधिकारी वापस नहीं आते तो? अभी आएंगे, वापस नहीं आएंगे तो हम यहीं बैठेंगे और टोल फ्री रखेंगे। आप यहाँ से उठ के कब जाओगे? जब तक ये पिछली बार आपने रोड का काम शुरू होगा तब टोल, ताकि क्या है कि यहाँ लोगों को पता रहना चाहिए, तो आप उठ के चले जाओगे डंडे फिर शुरू हो जाएंगे? नहीं 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 बिल्कुल हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक रोड का काम शुरू नहीं होगा, भले ही वो एक महीना लगे। हाँ, एक महीने। सर विधानसभा में इस मुद्दे को आपने कितना खूबसूरत तरीके से उठाया? सर विधानसभा में आपने इस मुद्दे को कितना खूबसूरत तरीके से उठाया? मैंने विधानसभा में, यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर भी मैंने वो कपड़ा पहन के गया था, इस रोड नहीं तो टोल नहीं, इसका कपड़ा पहन के गया, और जिसका हाथ है वो वहाँ पर घुस जाती है क्योंकि सरकार बचा नहीं है उनको, अगर मंत्री जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सरकार गिर जाएगी। एक एक विधायक की कीमत है कांग्रेस में, एक एक विधायक को खुश रखने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऊपर ये पूरा बॉर्डर लाइन पर है, मुख्यमंत्री मंत्री को नाराज करो सचिन कोर्ट में चला जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तकलीफ ये है।